पुरानी कहावत है कि प्रदेश में दो ही ऐसे सरकारी पद हैं जिनकी शक्तियां असीमित मानी जाती है। इसमें एक पद सूबे के राज्यपाल का है तथा गांव सभा स्तर पर दूसरा पद लेखपाल का है, जो अपनी मर्जी से जो मन में आवे वे कर देते हैं। इनके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं चलता। ऐसा ही वाक्या रायबरेली जिले के महराजगंज तहसील क्षेत्र के गांव भवानीगढ़ में देखने को मिला, जबकि डीएम के आदेश के बावजूद लेखपाल ने ग्राम समाज की जमीन पर एक दबंग का कब्जा नहीं हटवाया है। दबंग के धान की लहराती फसल लगभग 1.5 बीघा जमीन पर खड़ी हुई है। लेखपाल कब्जा हटाने के बजाय दबंग को संरक्षण और सलाह देने में लगा हुआ है। शिकायतकर्ता महिला थाना दिवस से लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाले संपूर्ण समाधान दिवस में चक्कर लगा लगा कर अवैध कब्जा हटवाने के लिए दर्जनों शिकायती पत्र दे चुकी है, लेकिन लेखपाल की मर्जी के आगे उसकी कहीं नहीं सुनी जा रही है। मामले में भुक्तभोगी ने प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ को शिकायती पत्र भेजकर अवैध कब्जा हटवाने तथा लेखपाल के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किए जाने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि मामला तहसील क्षेत्र के गांव भवानीगढ़ का है। भुक्तभोगी शांति देवी रैदास पत्नी कालीदीन निवासी अहलादगढ़ ने बताया कि भवानीगढ़ गांव में उसके पिता गुरु प्रसाद ने लगभग 1.5 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा था। वे भूमिहीन थे, उसी जमीन पर खेती करके गुजर बसर करते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में इस जमीन को अपने नाम कराने के लिए तहसील में 122B4F का मुकदमा भी चला रखा था, लेकिन मुकदमा दायर करने के बाद उनकी मौत हो गई। उसके बाद भुक्तभोगिनी शांति देवी रैदास ने जमीन पर कब्जा कर रखा था, लेकिन 2 साल पहले हल्का लेखपाल हर्षवर्धन मौके पर गए और उस पर यह कहते हुए कि यह जमीन ग्राम समाज की है कब्जा छुड़वा लिया। SDM शालिग्राम वर्मा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, आवश्यक कानूनी कार्यवाही करके यदि अवैध कब्जा पाया गया तो तत्काल अवैध कब्जा हटवाकर जमीन खाली कराई जाएगी। आइए देखते हैं इसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? शांति देवी। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम गुरु प्रसाद। कहाँ की रहने वाली हो? क्या मामला है, पूरी बात बताओ। पूरी बात, हमारा खेत, हमारे पिताजी का 70-80 साल हो गए, 90 साल मुकदमा पेशी लड़ी वही जमीन की। वो जमीन जो है मतलब ग्राम समाज में है, वो जमीन ग्राम समाज में है। वही का हमें पिताजी 80 साल बोइन, वही की साल हमारो 30-35 साल हम लोग हो जाए तो उनका पिताजी का मरे, हमने सब प्रधान हो गया, सबको हो गया, बोला हम वही जो तरन को कुछ नहीं कहा, अते नेकपाल हो गए को कितना, अब हमते छोड़ा लिया जाता, जबरदस्ती है यार, नेकपाल छोड़वा के दूसरे कब्जा दिया जाता है। किसको कब्जा दिला? राम हेड का। कहाँ के रहने वाले हैं ये? रायपुर के रहने वाले। रायपुर के रहने वाले, तो लेखपाल ने कब्जा दिला दिया? हाँ, लेखपाल ने जबरदस्ती कब्जा दिला दिया। और वही जो है उनके कुंदन जो उनके रामहेड के लड़का, हमको जान मान से खतरा मारने को भेज दिया। जबरदस्त। तो शासन प्रशासन से कहीं आपने शिकायत की इसकी? अरे हजारों जगह, बहुत एप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेशन, कोई भी सुनवाई नहीं हमारी हुई। कोई सुनवाई नहीं? कोई भी सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है तुम्हारा? सर राम तीरथ। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम कालीदीन। नाना का नाम क्या है आपके? गुरु प्रसाद। कहाँ के रहने वाले? सुदयाल खेरा। क्या मामला है, पूरी बात बताओ। मामला ये है सर, हमारा मामला जमीन का है। जमीन जो है हमारे नाना बो रहे थे 70-80 साल से, और उसमें का मुकदमा भी लड़ रहे थे, लेकिन वो जो है पट्टा उनके नाम नहीं चढ़ पाया। तब से हम वो ख़त्म हो गए लड़ते लड़ते। उसके बाद जो है सर, हमारी माता जी हो गए करीब 40-45 साल वो बो रही थी। अब हम लोगों ने किया करीब 20-20 साल से हम लोग कर रहे हैं। तो सर अब जो नेकपाल है, नेकपाल के जरिए सर दूसरे को कब्जा दिलाया जा रहा है। नेकपाल खुद जाके रामहेत के कब्जे में करवा दिया, और सर हम लोगों ने रिपोर्ट भी लगाई, थाने में दिया, तहसील में दिया, रायबरेली कोर्ट में दिया, लेकिन कोई सुनवाई हुई नहीं सर। 1 नहीं 2-4 बार हमने दे चुके हैं, तो सर इसमें कोई छानबीन अभी कोई सुनवाई हमारी नहीं। क्या चाहते हो प्रशासन से, क्या मदद चाहिए इस मामले? सर हमें ये चाहिए कि जैसे हमारा, जैसे हमारे कब्जे में आना चाहिए, जैसे हमारे पुरखा लोग लगा रहे थे जी, और अगर नहीं मिल पा रहा तो सर जबरदस्ती उन्होंने जो किया है वो उससे भी छूट जाए, हमारा कहना ये है सर।